हेलो फ्रेंड्स, ये है जिकेटा असिस्टेंट इंजीनियर सॉल्व पेपर सिविल इंजीनियरिंग पार्ट फोर। पार्ट थ्री में मेरे से कुछ क्वेश्चंस एक पेज 47 ये स्किप हो गया है, तो उसके आंसर्स अभी इस पार्ट में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39, ये फ्रेम है। फ्रेम है मतलब ये रिजिड जॉइंट्स हैं। ठीक है, अब फ्रेम है, जॉइंट्स के बारे में कुछ नहीं बोला, तो मैं ये तो ये अज्यूम करूँगा कि ट्रस के पिन जॉइंट होते हैं, फ्रेम के रिजिड जॉइंट होते हैं, और ये सारे रिजिड जॉइंट हैं। इसकी स्टैटिक इंडिटरमिनेसी बतानी है। अब स्टैटिक इंडिटरमिनेसी टोटल बोथ इंटरनल प्लस एक्सटर्नल, उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है? स्टैटिक इंडिटरमिनेसी मतलब नंबर ऑफ फोर्सेज जो हम नहीं निकाल सकते। तो पहले तो कितनी फोर्सेज हैं, हर मेंबर में 3 फोर्स, शेयर फोर्स, एक्सियल फोर्स और बेंडिंग मोमेंट। तो 3 × m ये फोर्सेज हैं जो पता करनी है, प्लस जो रिएक्शंस हैं। ठीक है, अब वो अलग बात है कि चारों जॉइंट फिक्स्ड हैं और तीन तीन रिएक्शन सबकी होंगी, Fx, Fy और M, तो 12 रिएक्शन ये भी बतानी है। 3 × m मेंबर्स हैं 7, 1, 2, 3, 4 वर्टिकल मेंबर और 3 हॉरिजॉन्टल मेंबर, तो 7, 7 × 3, 21 मेंबर फोर्सेस बतानी है, प्लस 12 रिएक्शन की फोर्सेस बतानी है। और बताने के लिए, पता करने के लिए कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम, हर जॉइंट पे 3 कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, रिजिड 2D फ्रेम के लिए मतलब -3J। जॉइंट्स हैं 8, तो 3 × 8, 24 सब्ट्रैक्ट होगा जो पहले 7 × 3, 21 + 12, 33 में से, तो आंसर आता है 9। ठीक है, अब इसमें ये आंसर उस आंसर की से मैच नहीं हो रहा जो वाइडली सर्कुलेटेड है, हमारे IEC के पेज पे भी हमने अपलोड की है। ठीक है, वही MTech NIT श्रीनगर के स्टूडेंट्स की आंसर की, उन्होंने इसका आंसर कुछ और लिखा है। ठीक है, अब मेरे इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसका आंसर 9 ही आता है। ठीक है, ये अज्यूम मैंने किया है कि ये जो डॉट्स दिख भी रहे हैं ये भी फिक्स्ड जॉइंट हैं, अगर ये हिंज हुई या कुछ और हुआ तो फिर आंसर चेंज हो जाएगा। अगर K स्टिफनेस है, नेक्स्ट क्वेश्चन 40, ठीक है, तो इसका आंसर डी होना चाहिए 39 का, K 40। इफ़ K स्टिफनेस ऑफ बीम, वाई इज डिफ्लेक्शन, तो क्या रिलेशन होगा? तो स्टिफनेस होती है फोर्स पर यूनिट डिफ्लेक्शन है, जितना ज़्यादा स्टिफ होगा उतनी ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी यूनिट डिफ्लेक्शन के लिए, एफ अपॉन वाई, तो के इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वाई। 41, क्रिटिकल डेप्थ क्या होती है? क्रिटिकल डेप्थ वो डेप्थ होती है जहाँ पे मिनिमम एनर्जी में मैक्सिमम डिस्चार्ज फ्लो करता है, सिंपल एज दैट, डिस्चार्ज मैक्सिमम फॉर अ गिवन स्पेसिफिक एनर्जी। 42, हाइड्रोलिक जंप कहाँ पर बनता है? हाइड्रोलिक जंप तब बनता है जब सुपर क्रिटिकल फ्लो सब क्रिटिकल में चेंज करता है, सुपर क्रिटिकल फ्लो जब वेलोसिटी क्रिटिकल वेलोसिटी से ज़्यादा होती है, वो कहाँ होती है? स्टीप स्लोप पे। स्टीप स्लोप के आगे जब अचानक जेंटल स्लोप आ जाती है तो वो बनता है हाइड्रोलिक जंप। नेक्स्ट, इनिशियल सेटिंग टाइम डिटरमिन करने के लिए परसेंटेज ऑफ वाटर नॉर्मल कंसिस्टेंसी का कितना होना चाहिए? ठीक है, पी अगर नॉर्मल कंसिस्टेंसी है तो इनिशियल फाइनल सेटिंग टाइम के लिए 0.85 पी यूज़ करते हैं, आपको पता है। एयर एंटेनमेंट के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं? एयर एंटेनमेंट का प्राइमरी बेनिफिट होता है फ्रीजिंग और थाइंग के अगेंस्ट ड्यूरेबिलिटी, कंक्रीट को ड्यूरेबल बनाता है, उसको रेजिस्टेंस देता है फ्रीजिंग और थाइंग के अगेंस्ट। सेकेंडरी फंक्शन ये सर्व करता है क्योंकि वो एयर जो है वो एक तरह से लुब्रिकेंट का काम करती है, एयर बबल्स लुब्रिकेंट का काम करते हैं, तो वर्केबिलिटी भी बढ़ जाती है। तो सी पार्ट इसका आंसर है 44th का। नेक्स्ट, इन एडमिक्सचर और उनके फंक्शंस को रिलेट करना था। लिग्नोसल्फेट कॉमन एग्जांपल है वाटर रिड्यूसर का, ए का 4 ही आना है, तो बी और सी ही ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं। एल्युमिनियम पाउडर, ठीक है, एयर एंटेनर के लिए आप वुड रेजिन यूज़ कर सकते हो, ये लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स, और मेटल पाउडर्स एल्युमिनियम या जिंक का पाउडर यूज़ कर सकते हो। तो एल्युमिनियम पाउडर एयर एंटेनर है, तो बी का 3 यानी कि बी पार्ट करेक्ट हो गया। टार्टेरिक एसिड स्टडी से पता चला है कि ये रिटार्डर है और सोडियम सिलिकेट एक्सेलरेटर है। सुपर प्लास्टिसाइजर क्यों ऐड करते हैं? अगर इन ऑप्शंस को एक नज़र दो तो 4 चारों ऑप्शन में है, तो उसके बारे में कुछ नहीं सोचना। ठीक है, सुपर प्लास्टिसाइजर वर्केबिलिटी बढ़ती है यानी कंसिस्टेंसी बढ़ती है, तो वाटर कम डालते हैं, कम पानी में भी ज़्यादा वर्केबिलिटी, सुपर प्लास्टिसाइजर। ए पार्ट 46th का करेक्ट आंसर। 47th, C3S की लो परसेंटेज और C2S की हाई परसेंटेज। C3S ट्राई कैल्शियम सिलिकेट रिस्पॉन्सिबल होता है अर्ली स्ट्रेंथ के लिए और हीट एवोल्यूशन थोड़ा ज़्यादा होता है। C2S रिस्पॉन्सिबल होता है फाइनल स्ट्रेंथ के लिए और हीट एवोल्यूशन थोड़ा कम होता है। C3S को कम करेंगे तो अर्ली स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, हीट एवोल्यूशन कम हो जाएगा, C2S को बढ़ाने की वजह से अल्टीमेट स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, तो हायर अल्टीमेट स्ट्रेंथ विद लेस हीट जनरेशन। फर्स्ट तो करेक्ट है ही है, सेकेंड रैपिड हार्डनिंग,
C3S ज़्यादा करो तो रैपिड हार्डनिंग होती है, C3S को कम किया तो सेकंड रैपिड हार्डनिंग तो हो नहीं सकता, फर्स्ट करेक्ट है और सेकंड सही हो नहीं सकता, तो सी ही बचता है 1 एंड 3, तो 3 होता होगा, रेजिस्टेंस टू केमिकल अटैक बढ़ जाती होगी। नेक्स्ट, इसके बाद जो क्वेश्चन थे 48 से लेके या 48 से लेके 67 तक, वो पिछले पार्ट 3 में मैं डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। 68 ये वो एप्टीट्यूड वाला पार्ट है, एड वैलोरम यानी अकॉर्डिंग टू द वैल्यू, ए पार्ट इसका आंसर है। नेक्स्ट, पॉलिटिशियंस के अराउंड टुएडीज़ होते हैं, टुएडीज़ कौन है, साइकोफेंट्स, ठीक है, मक्खन लगाने वाले, डी पार्ट साइकोफेंट आंसर है। ट्रेमुलस टोन, ट्रेम्बलिंग टोन, डी पार्ट ट्रेम्बलिंग आंसर है। किस टेम्परेचर पे वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम होती है, बच्चों वाला क्वेश्चन, 4 डिग्री सेल्सियस। स्टार का कलर किस पर डिपेंड करता है, उनके एनर्जी कलर जो है, लाइट का कलर उसकी एनर्जी पर डिपेंड करता है, एनर्जी टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, तो टेम्परेचर आंसर है बी पार्ट। कम्युनिकेशन सेटेलाइट क्या करती हैं, सिग्नल लेती हैं वापस भेजती हैं, रिसीव एंड रीडायरेक्ट कम्युनिकेशन सिग्नल ओनली, सी पार्ट इसका आंसर होना चाहिए। 74th, डिफ्लेक्शन फोर्स किसने डिस्कवर की थी, ऐसे तो डिफ्लेक्शन फोर्स ये ज्योग्राफी का टॉपिक है, इसका नाम कोरिओलिस फोर्स होता है, लेकिन ये जो डिस्कवर हैं वो फेरल ने की थी, ठीक है, तो फेरल इसका आंसर है। ली कॉर्बुज़िएर कहाँ के थे, फ्रांस के थे। 76th, फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसीडर करो अबाउट एयर एंट्रेनिंग एडमिक्सचर, एयर एंट्रेनमेंट से वर्केबिलिटी बढ़ती है, हमने पहले भी देखा। 4th स्टेटमेंट, कंक्रीट की डेंसिटी कम होती है, अब कंक्रीट में थोड़ी एयर आ जाएगी तो डेंसिटी तो कम होगी, फर्स्ट और फोर्थ दोनों करेक्ट हैं, तो वो एक ही ऑप्शन है, ए पार्ट करेक्ट आंसर है 76 का। 77, कितना वाटर रिक्वायर्ड होता है हाइड्रेशन के लिए, 20 से 25% रिक्वायर होता है हाइड्रेशन के लिए, जो केमिकली रिक्वायर्ड होता है, अनदर 20% अराउंड 20% हम डालते हैं वर्केबिलिटी के लिए, तो 20 to 25% सी पार्ट इसका करेक्ट आंसर है। करेक्ट रेंज ऑफ फाइननेस मॉडल्स ऑफ मीडियम सैंड, देखो सैंड का जो फाइननेस मॉडल्स होता है वो 2 से लेकर 3.5 तक होता है, उसमें भी फिर फाइन सैंड, मीडियम सैंड, कोर सैंड, तो 2 से अप्रॉक्सीमेटली 2.6 तक फाइन सैंड होती है, फिर 2.6 से 2.9 तक मीडियम सैंड, और उसके बाद 3.5 तक कोर सैंड, कहीं कहीं 4 तक लिखा होता है, कहीं कहीं 3.5 तक, तो इसका आंसर 2.6 से 2.9 है, क्योंकि मीडियम सैंड बोला है, फाइन सैंड भी होती है, कोर सैंड भी होती है, मीडियम सैंड का 2.6 से 2.9। नेक्स्ट, फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट, ठीक है, तो कंक्रीट के जो इलास्टिक मॉडल्स हम जो लेते हैं, E=5000√FCK, ये फॉर्मूला अगर आपने देखा हुआ है, तो थर्ड स्टेटमेंट प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट एफ सी के वो एकदम सही है। टेंजेंट मॉडल्स, एक ही जैन की बुक में आप देख सकते हैं, कंक्रीट का जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व होता है वो एक कर्व होता है, कंक्रीट इलास्टिक मटेरियल नहीं है, उसका स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप जो है वो लीनियर नहीं है, स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन नहीं है, और मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी तो होता ही है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, तो वो तो हर पॉइंट पे चेंज हो रहा है, जो स्लोप है उस कर्व की वही होती है मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी, और वो कर्व हर पॉइंट पे उसकी स्लोप चेंज हो रही है, क्योंकि वो कर्व है, वो स्ट्रेट लाइन नहीं है, स्ट्रेट लाइन की स्लोप कांस्टेंट होती है, कर्व की स्लोप कांस्टेंट नहीं होती। कंक्रीट का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में कोई कांस्टेंट मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी नहीं होता, तो फिर हम जो ई यूज करते हैं वो कौन सा ई है, वो उसका इनिशियल टेंजेंट मॉडल्स है, उस कर्व जहाँ पे स्टार्ट होता है वहाँ पे एक टेंजेंट ड्रा की जाती है, उस टेंजेंट का जो एंगल बनता है वही कंक्रीट का मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी लेते हैं, तो इसका आंसर टेंजेंट मॉडल्स होना चाहिए। अब इसमें भी जो वो आंसर की जो हमारे पेज IEEE पे अपलोडेड है, जो एनआईटी श्रीनगर के स्टूडेंट्स ने बनाई है, उसमें आंसर सीकेंट मॉडल्स है, मुझे नहीं पता उन्होंने क्या सोर्स यूज़ किया है, मुझे जो भी इन्फॉर्मेशन है जो मेरे पास बुक है कि जैन, उसमें ये साफ साफ लिखा है कि कंक्रीट का मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी उसका इनिशियल टेंजेंट मॉडल्स होता है, ठीक है, ये 2-3 क्वेश्चन उसमें डाउटफुल थे। नेक्स्ट, स्ट्रेंथ ऑफ टिम्बर मैक्सिमम कहाँ पर होती है, तो जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है टिम्बर की वो पैरेलल टू ग्रेन मैक्सिमम होती है, और जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है वो परपेंडिकुलर टू ग्रेन मैक्सिमम होती है, लेकिन इन दोनों में से भी टेंसाइल स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, तो एब्सोल्यूट टर्म्स में अगर बात करें तो पैरेलल टू ग्रेन सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है टिम्बर की, और वो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो अलग बात है, तो पैरेलल टू ग्रेन ही इसका आंसर होना चाहिए। इस पार्ट में इतना ही, लास्ट 20 क्वेश्चंस 5th पार्ट में। थैंक यू।